शहर के वार्ड संख्या 31 से 32 में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सुअर पालने तथा सुअरों के कारण क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों को लेकर सोमवार को दोनों वार्डों के निवासियों ने वार्ड पार्षदों के सानिध्य में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि वार्ड संख्या 31 से 32 की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। उक्त क्षेत्र में पूर्व पार्षद प्रकाश परिहार द्वारा अवैध रूप से सुअर पालन किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सुअर दिन भर वार्ड में विचरण करते हुए गंदगी फैलाते रहते हैं। वार्डवासियों ने बताया कि इस बाबत जब सुअर पालने वाले से बातचीत की जाती है तो वह वकील होने की दोष जमाते हुए क्षेत्रवासियों को धमकाता है। क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र ही अवैध रूप से आबादी क्षेत्र में सुअर पालने वाले पूर्व पार्षद को जानवरों को वार्ड से बाहर लेने पालने के लिए पाबंद करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद दिनेश बैरवा, पार्षद ललिता सिंगारिया, वार्डवासी सुरेश चौहान, मोहनलाल सिंगारिया, करुण सिंह, गोपाल पंवार, भरत किशन फुलवारी, श्रीमती कमला देवी, सोहनी देवी, विवेक पंवार तथा पवन कुमार आदि शामिल थे। प्रकाश परिहार है ना, सुअर के मतलब बिजनेस कर रहे हैं तो मोहल्ले वालों को सबको परेशानी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं अंदर उसको कोई पता नहीं है, लेकिन पूरे मोहल्ले में बदबू फैल रखी है और सारे बीमार हो रहे थे। खाना खा के बैठे और बाहर जाके उल्टी करो तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो हमारे को भी कुछ सुविधा चाहिए ना, सुविधा के लिए हम बसे हैं क्या? इसके लिए मकान थोड़ी बेच देंगे या घर छोड़ के थोड़ी बाहर बैठ जाएंगे? बाहर भी निकल सकते हैं, ये परेशानी हम नहीं सहन करेंगे। अरे मेरे वार्डवासी है, ये ना सुअर के गंदगी से परेशान है, बहुत इन का खाना वाना बहुत परेशान हो गया, इसलिए ये हम ज्ञापन दे। मेरी ये समस्या है कि ये पूरे वार्ड में ना सुअर के ये वो पालन के जो कर रहे हैं और ये पूरे वार्ड वाले परेशान हो रहे हैं, इसलिए चार दीवारी बना रहे हैं और इधर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारे पूरे वार्डवासी संजय नगर में प्रकाश परिहार जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं उन द्वारा अवैध तरीके से सुअर का पालन किया जा रहा है, जिस कारण पूरे वार्डवासियों में ये इतनी समस्या है कि ना तो ये खाना खा पाते हैं, खाना खाते हैं तो बाहर जाके उल्टियां करनी पड़ती है। वार्डवासियों की समझाइश के बाद भी वो लोग वार्डवासियों को चलकारे फटकारे देते हैं, अपशब्द बोलकर अपमानित कर रहा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके पूरे वार्डवासियों को निजात दिलाई जाए।